तो भी आपको यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है सर, सर आप कौन से एक्सपर्ट हैं? आप कौन से? ठीक है सर, कॉन्सेप्ट समझ आया कि वे किस चीज की बात कर रहे हैं? अगर नहीं है तो डॉक्टरी में फिर एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है ठीक है। ठीक है सर, तो इनके टाइम में जितने भी गवर्नर्स आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? नॉट इंडिया, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, जो 1757 में आता है। उसके बाद आता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। वॉर्ड हेस्टिंग के बाद फिर क्वेश्चन आएगा कि इंडिया का गवर्नर जनरल फर्स्ट कौन है? वो है विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक के बाद पूछेंगे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो वो है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के बाद आपको पता है कि 1857 का रिवोल्ट होता है, रिवोल्ट के बाद नए गवर्नर जनरल बनते हैं, लेकिन टाइटल चेंज किया जाता है। अब गवर्नर जनरल को वॉयसराय कहा जाएगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ये डिस्कस क्या होगी, तो नेक्स्ट हम करेंगे सर। लॉर्ड वेलेस्ली के बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो है सर जॉर्ज वर्लो। जॉर्ज वर्लो का सर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इनके टाइम पीरियड आप लिख लीजिए 1805 टू 1807। जॉर्ज वर्लो के टाइम में कोई मेजर एक्टिविटी नहीं हुई। लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के बाद जॉर्ज वर्लो आते हैं। राजपूत घाट की लड़ाई हुई थी 1805 में जसवंत राव होलकर और ब्रिटिश के बीच, लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। जॉर्ज वर्लो के बाद जो लॉर्ड मिंटो आएंगे उनकी एक हिस्टोरिकल वैल्यू है, राइट। सो जॉर्ज वर्लो के बाद जो नेक्स्ट है वो है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो के टाइम में काफी मेजर एक्टिविटीज हुई हैं सर। याद रखना कि मिंटो दो हुए हैं, हेस्टिंग दो हुए हैं और लियो दो हुए हैं। ये है लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, इसके बाद इसके सही 100 साल बाद लॉर्ड मिंटो टू आएगा। ठीक है जी, लॉर्ड मिंटो वन का टाइम पीरियड है 1807 से लेके 1813 तक का टाइम पीरियड। याद रखना 1813 में एक मेजर एक्टिविटी हुई थी ना, अगर आपको याद हो तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी, राइट। 1807 से लेके 1813 तक वैसे कोई मेजर एक्टिविटी इतनी हुई नहीं है, स्टिल हम काम करेंगे। ट्रीटी ऑफ सतलुज 1809, ट्रीटी ऑफ सतलुज किन किन के बीच में? फर्स्ट क्वेश्चन हु एंड वेयर, मतलब वो थे रंजीत सिंह जो पंजाब का राजा है, एंड वेयर 1809। सर ये सिचुएशन वो थी कि आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना है फ्रांस का। नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता है कि 1800 के आसपास, आपको खुद पता होगा कि इंग्लैंड और फ्रांस में आपस में बिल्कुल भी नहीं लगती है, राइट। 1800 के आसपास नेपोलियन क्या करता है, ऑलमोस्ट सारी यूरोपियन कंट्रीज को हराता है और रशिया तक पहुंच जाता है। तो आपको पता है कि इंडिया की बाउंड्रीज किसके साथ लगती है? रशिया के साथ। अब ब्रिटिश को क्या डाला जाता है, जैसे इंडिया का मैप कुछ ऐसे बना हुआ है, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, राइट। इनको क्या लगता है कि रशिया, नेपोलियन रशिया के थ्रू अफगानिस्तान, अब हमारे दोनों के बीच एक मीडियेटर स्टेट है अफगानिस्तान, ठीक है, कि अफगानिस्तान के थ्रू ब्रिटिश हैं जो इंडिया पे अटैक ना करते, सॉरी नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये क्या करता है, महाराजा रणजीत सिंह जो लाहौर का राजा है, यही दिन में लाहौर था ना, लाहौर का राजा है, उसके साथ संधि करता है 1809 के। संधि को क्या कहते हैं, सतलुज ट्रीटी। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इसने क्या कॉम्प्रोमाइज किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के स्टेट के बीच सतलुज को फाइनल लाइन मान लिया गया था।
सतलुज के इस साइड के एरियाज है मालवा एरिया जिसमें एरियाज आते हैं पटियाला नाभा झील ये प्रिंसली स्टेट्स थे सारे ये महाराजा रणजीत सिंह के एमपी थे अब इनको क्या लगता था कि महाराजा रणजीत सिंह से बचने के लिए हमें ब्रिटिश की हेल्प लेनी चाहिए क्या करते हैं हेल्प लेते हैं और सतलुज महाराजा रणजीत सिंह पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि आप सतलुज को कभी क्रॉस नहीं करोगे राइट कहने का मतलब है इन्होंने अब क्या किया नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से जो सेव कर लिए मेजर एक्टिविटी इनके टाइम में यही हुई थी नेक्स्ट सर हम करेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स दो हेस्टिंग्स आए ना एक है वॉरन हेस्टिंग्स सेकेंड इज लॉर्ड हेस्टिंग सो लॉर्ड हेस्टिंग है जो इसको मार्क्यू ऑफ हेस्टिंग कहते थे मार्क्यू ऑफ हेस्टिंग मतलब नाम में डिफरेंस रखने के लिए एक वॉरन हेस्टिंग है जिसका टाइम पीरियड है 1773 टू 1785 राइट जिसको फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहते हैं ये है मार्क्यू ऑफ हेस्टिंग राइट मार्क्यू ऑफ हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग फर्स्ट पॉइंट ये नोट करना है कि इसका टाइम पीरियड नोटिस करना है सेकंड इज को मार्क्यू ऑफ हेस्टिंग कहते हैं ठीक है जी आपको अगर कंफ्यूज ना हुआ सम टाइम को आपको क्या ऑप्शन दे देते हैं कि 1813 का एक्ट पास हुआ था किसके टाइम में ऑप्शन दे देते हैं लॉर्ड हेस्टिंग या वॉरन हेस्टिंग तो वॉरन हेस्टिंग को कभी लॉर्ड हेस्टिंग नहीं कहते मार्क्यू ऑफ हेस्टिंग नहीं कहते इसको कहते हैं लॉर्ड हेस्टिंग और मार्क्यू ऑफ हेस्टिंग राइट इसके टाइम में मेजर एक्टिविटी है आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द एक्ट ऑफ 1813 वॉरन हेस्टिंग दूसरे को कहते हैं हाँ उसको वॉरन हेस्टिंग कहते हैं इसको लॉर्ड हेस्टिंग कहते हैं इसका दूसरा नाम लिख लीजिए मार्क्यू ऑफ हेस्टिंग ये इसका टाइटल था ठीक है सर इसके टाइम में आते ही पहला मेजर एक्टिविटी क्या होती है 1813 का एक्ट 1813 का एक्ट पास होता है एक्ट क्या था क्या क्या काम थे हम उसके बारे में थोड़ा सा इन शॉर्ट पढ़ेंगे एजुकेशन फॉर इंडियन पीपल ठीक है सर 1813 के एक्ट में पहली बार ब्रिटिश सरकार को ये लगा था कि हमें क्या करना चाहिए इंडियन लोगों को एजुकेशन देने का जो राइट है जो ड्यूटी है वो किसके ब्रिटिश सरकार की है बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि ब्रिटिश सरकार की ईस्ट इंडिया कंपनी की एजुकेशनल पॉलिसी है जो कब लॉन्च हुई तो वो लॉन्च हुई थी 1813 में राइट तो एक इसके लिए और नॉमिनेशन की गई थी 1 लाख रुपीज फॉर इंडियन एजुकेशन मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा था कि मैं इंडियन एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपया है जो हम हर साल स्पेंड करेंगे लेकिन क्यों करेंगे इसीलिए करेंगे कि वो अपने लिए क्लेरिकल स्टाफ को रख सके बना सके क्लेरिकल स्टाफ भी एक लाइन को खड़ा कर सके क्यों क्योंकि इंडियन लोग हैं जो इनकी तो मेन लैंग्वेज फारसी थी इनकी तो मेन लैंग्वेज उर्दू थी हिंदी संस्कृत पंजाबी थी तो एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए थी इन लोगों को जो इनकी लैंग्वेज समझ सके और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स रख सके उसके लिए क्या जरूरी था कि इंडियन लोगों को इंग्लिश सिखाना इसीलिए ये इनकी एजुकेशनल पॉलिसी कुछ ऐसी तो नहीं थी कि ये सोचे कि नहीं हमें तो इंडियन लोगों को एजुकेटेड बनाना है सिविलाइज नहीं ये अपने मतलब की थी अपने मतलब थी कि क्लर्कों की एक क्लास को पैदा किया जा सके राइट सेकेंड 1813 के एक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके टाइम में टी एंड चाइना क्या मतलब है सर टी एंड चाइना ट्रेड का मतलब है कि पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना इसको भारत में सारी चीजों पे व्यापार करने का हक था ईस्ट इंडिया कंपनी ही कपड़े का व्यापार करती थी यहाँ से ब्रिटेन तक ईस्ट इंडिया कंपनी ही गर्म मसालों का करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिगो जिसको नील बोलते हैं नील का करती थी मतलब सारे का सारा व्यापार यही करती थी लेकिन इंग्लैंड ब्रिटेन की जो दूसरी कंपनीज हैं वो क्या करती हैं वो कहती हैं कि क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी ही वो व्यापार क्यों करे हम भी जो कंपनीज हैं हमें भी बेनिफिट चाहिए तो ब्रिटेन की सरकार एक रूल पास करती है कि सिर्फ ये चाइना और चाय में अपना व्यापार कर सकते हैं इंडिया में चाय चाय में और एक चाइना में बाकी इनको मोनोपोली मोनोपोली होते हैं एक का अधिकार ठीक है एक अधिकार का मतलब क्या है एक का अधिकार क्या होता है हाँ गुड वेरी गुड मतलब सिर्फ एक आदमी के पास ही अधिकार है
वो ऐसा नहीं है कि एक मेरे पास होने वाली है और मैं 5-7 लोगों को और इन्वॉल्व करूँ, मेरे पास है तो दैट मीन्स वो काम मैं ही कर सकती हूँ, राइट। एक मेजर एक्टिविटी इसके टाइम में और हुई थी 1830 को न्यूज़पेपर एक्ट, न्यूज़पेपर एक्ट 1830 का क्या है कि ये ना प्रेस की आजादी को पसंद करता था, इसको क्या लगता है कि अगर मेरी पॉलिसीज गलत होगी कोई बंदा मतलब इंडियन लोग उसको क्रिटिसाइज करेंगे, इसीलिए मुझे पता चल पाएगा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, मतलब रिवोल्ट ना हो पाए, इसीलिए ये क्या करता है प्रेस पे इसने कोई भी बंधन नहीं लगाए थे, इंडियन प्रेस के साथ इसने कोई भेदभाव नहीं किया था, ये इंडियन प्रेस के फेवर में था, राइट सर। फर्स्ट नेपोल एक्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया है जो इनके टाइम में पास हुआ था, इसीलिए क्यों, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग है जो इसके पहले, आपको पता है कि इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा था, चलो मैं बताती, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मोस्टली जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में आ जाता है कि फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया था बंगाल गजेटियर, ठीक है, इसका पब्लिश किसने किया था, इसको हिल की, ठीक है सर, हिल्की नाम के एक ब्रिटिश था जिसने कि इंडिया में फर्स्ट टाइम न्यूज़पेपर पास किया था जिसका नाम था बंगाल गजेटियर। उसके बाद क्या होता है कि आपको ये पता है कि इंडिया में फर्स्ट टाइम प्रेस किसके टाइम में लगी थी, पुर्तगालियों ने लगाई थी, पोर्चुगीज में, नियर अबाउट 1557 का पत्रकार था, ठीक है, यस ब्रिटेन का था, ये इंडिया नहीं था, इसने बंगाल में अपना, तो दैट मींस ये तो इंग्लिश न्यूज़पेपर हो गया ना। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, देखो क्वेश्चन क्या है उसको फेर बदल करके पूछते हैं, आपको ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिया का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन सा था, तो ऑब्वियस ही बात है बंगाल गजेटियर, यही क्वेश्चन को वो फिर बदल करके पूछ सकते हैं कि फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया कौन सा है, वो भी हिल्की का। जो फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर है वो क्या है, समाचार पत्र, ठीक है जी, 1830 ये सर बंगाल से पब्लिश हुआ था फर्स्ट टाइम, इवन ये बंगाली का न्यूज़पेपर था, ठीक है, वर्नैक्युलर होता है लोकल लैंग्वेज, हिंदी पंजाबी गुजराती इनको क्या कहते हैं वर्नैक्युलर लैंग्वेज, मतलब लोकल लैंग्वेज। सो फर्स्ट क्वेश्चन यही आ गया कि इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर है, ठीक है जी। एक वॉर्न हेस्टिंग की और पॉलिसी क्या थी, High posters for Indians. इसका मतलब क्या है? High posters for Indians. मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके बारे में कहा था कि वो इंडियंस को हाई पोस्ट पे नॉमिनेट नहीं करना चाहता था, अभी तक के टाइम लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है जो इंडियन लोगों को इस चीज के कैपेबल ही नहीं समझता था कि वो हाई पोस्ट पे बैठी, लेकिन जो लॉर्ड हेस्टिंग है ये इंडियंस को हाई पोस्ट पे अपॉइंट करने के फेवर में था, क्यों फेवर में था, इसीलिए नहीं कि इसका कोई इसको लगता था कि मैं इंडियन लोगों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट रखता हूँ, राइट टू इक्वालिटी है जो वो है नहीं, इसीलिए क्योंकि इसको क्या लगता था कि जो ब्रिटिश लोग हैं जब उनको हाई पोस्ट पे नॉमिनेट करते हैं तो इनको बहुत ज्यादा हमें पेड सैलरी देनी पड़ती है, लेकिन वही काम अगर हम इंडियन से करवाएंगे, इंडियन लोगों से करवाएंगे, सैलरी भी कम लेंगे और काम भी ज्यादा करवाएंगे, इसीलिए ये फेवर में था कि इंडियन लोगों को ये हाई पोस्ट पे नॉमिनेट करता था। मोस्टली ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा गवर्नर जनरल है जिसने फर्स्ट टाइम इंडियंस को हाई पोस्ट पे अपॉइंट किया था, तो वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद सर आता है लॉर्ड एमहर्स्ट,
हाँ जी सर एमहर्स्ट एमहर्स्ट AMHERST एमहर्स्ट ठीक है जी लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में सर टाइम पीरियड है 1823 टू 1828 तक का कोई मेजर एक्टिविटी लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम की होगी जब आप बिफोर 1857 बात करते हो ना गवर्नर जनरल्स की तो हार्डली चार या पांच गवर्नर जनरल्स है जिसके बारे में सब फोक्स इंक्वायर्स थे फर्स्ट है लॉर्ड हेस्टिंग सेकंड है कॉर्नवालिस थर्ड लॉर्ड हेस्टिंग लॉर्ड हेस्टिंग और इसके बाद आएगा विलियम बेंटिंक एंड्री हॉसल मतलब टोटल पांच ही चाहिए उनके बीच वाले एक तो उनका टाइम पीरियड बहुत कम था हार्डली तीन या चार साल के लिए आते थे सेकेंडली ये लोग इसलिए कैपेबल नहीं थे कि एक्टिविटी कर सके या कोई पॉलिसी को लॉन्च कर सके इनके इनके लिए इनका टाइम पीरियड बहुत साइलेंट रहा है एक है एंग्लो बर्मा वॉर हुई थी इनके टाइम में सर इसको पे कर सकते हो एंग्लो बर्मा वॉर ये हुई थी 1824 में लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम इन्होंने बर्मा के राजे के साथ इन्होंने संधि करने की कोशिश की लेकिन उसके कुछ सिपाहियों ने जब लॉर्ड एमहर्स्ट के मेंबर्स करने जाते हैं संधि के साथ तो वो अटैक कर देते हैं तो वो दोनों लोगों को बर्मा के सिपाही मार देते हैं नतीजा क्या होता है कि लॉर्ड एमहर्स्ट 1824 में बर्मा पे अटैक कर देता है और बर्मा को ऑक्यूपाई कर देता है राइट सर कॉन्सेप्ट क्लियर सो अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया हाँ जी ऐसे नहीं याद होगा गवर्नर लॉर्ड क्लाइव यस लॉर्ड क्लाइव गुड सर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हाँ जी बाद में हर्षलाल Yes, good. Lord Hastings, good. So, first Governor General of India? William Bentinck. First Governor General of Bengal, Lord Hastings. First Governor General of India, William Bentinck. Lord Amherst, Lord William Bentinck. Right? So, आपने थोड़ा कॉन्सेप्ट जो सेटअप है एग्जाम्स का वो कैसा हो गया कि मिडिवल और एंशिएंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं ये मॉडर्न इंडिया को कहीं ना कहीं उनको पता है कि मॉडर्न इंडिया हर इंसान पढ़ता है मिडिवल और एंशिएंट कोई कोई पढ़ता है तो इनका मेन फोकस अब चला गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कि एंशिएंट है मिडिवल इंडिया लेकिन क्या है कि देखो जब पेपर सेटअप होता है तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि एग्जामिनर के दिमाग में क्या आएगा सो हमें तो ओवरऑल तीनों पीरियड्स की परफॉर्मेंस है इसको ध्यान में रखना पड़ेगा और ऐसा नहीं कि मैं आपको कंटिन्यू दिखा रही हूँ आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो मे भी आप ज्यादा गेन ना कर पाओ क्योंकि अगर नॉलेज क्या है नॉलेज को आप गूगल से भी खा सके लेकिन जब तक आप मेरे साथ इंटरेक्शन नहीं करोगे जब तक आपकी क्वेश्चनिंग नहीं होगी मैं आपको क्वेश्चनिंग नहीं करूंगी तो उसके बिना कोई बेनिफिट नहीं है ठीक है जी जनरल नॉलेज का मतलब होता है अपने थॉट्स को एक्सचेंज करना अपनी नॉलेज को एक्सचेंज करना उसको जनरल नॉलेज कहते हैं राइट सो नेक्स्ट आ गया लॉर्ड एमहर्स्ट इनके बारे में इंपॉर्टेंट से ये बताया कि एंग्लो बर्मा वॉर हुई थी और एक एस्पेक्ट ऑफ इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट देखो तीन जो वॉर लॉर्ड हेस्टिंग्स था उसकी पॉलिसी क्या थी उसकी पॉलिसी ये थी कि इसको क्या लगता था कि न्यूज़पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के चेक से दूर रखना चाहिए ताकि लोग अपने थॉट्स को प्रेजेंट करें और मुझे लोगों की मेंटालिटी पता चल जाए कि वो ब्रिटिश के बारे में क्या सोचते दैट मीन्स कोई रिवोल्ट ना हो पाए लेकिन लॉर्ड एमहर्स्ट है जो ये थोड़ा सा अपोजिट पर्सनैलिटी है इसने क्या किया इंडिया में फर्स्ट टाइम प्रेस पे सेंसरशिप बैठा दी ठीक है सेंसरशिप का मतलब क्या है कि अगर कोई न्यूज़पेपर सरकार की पॉलिसीज के अगेंस्ट काम कर रहा है या सरकार को के बारे में एंटी लिख रहा है या कुछ देशभक्ति की कुछ ऐसी फीलिंग्स है स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है तो सरकार के पास ये राइट है कि वो उसकी प्रेस को जब्त कर ले और जो उसका पब्लिशर है उस पर जुर्माना इम्पोज कर सके ठीक है जी तो
क्वेश्चन क्या बनाए हम सब ने देखना हमें देखना कि क्वेश्चन क्या निकलता है कि इंडिया में फर्स्ट टाइम प्रेस पे सेंसरशिप कब लगी सर 1824 तक वर्मा जी एम्पर कौन था उस टाइम लॉर्ड एम्पर्स्ट एंग्लो वर्मा ये तो वॉर है गवर्नर जनरल तो ये रहा लॉर्ड एम्पर्स टाइम पीरियड है इसका यस 1823 to 1828 राइट तो क्वेश्चंस को फेर बदल करके क्रॉस चेकिंग करके पूछना चाहिए इसीलिए एक क्वेश्चन है जो माइंडसेट आपका हो पाएगा कंटिन्यू लाइंस में पढ़ोगे तो बहुत सारी नॉलेज पढ़ने के बावजूद भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपने पढ़ा क्या है राइट उस क्वेश्चन को देखो कि एक लाइन में एक है क्वेश्चन कितने निकले तीन चार निकले इंडिया में सेंसरशिप प्रेस पे कब लगी 1824 जब इंडिया में 1824 में इंडियन प्रेस को लेके एक मेजर स्टेप लिया गया तो वो क्या था सेंसरशिप ऑफ इंडियन प्रेस थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा कि जब इंडियन प्रेस पे सेंसरशिप लगा तो गवर्नर जनरल कौन था लॉर्ड एम्पर्स्ट देखो लाइन तो एक थी ना क्वेश्चन कितने निकले तीन निकले ना यही मतलब है जनरल नॉलेज यही होती है कि लाइन सिंपल होती है लेकिन इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम उसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं उसको कैसे क्वेश्चंस को बाहर निकालते हैं कैसे एक लाइन में तीन चार क्वेश्चन हमारे फिक्स होते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता हम उस चीज को क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं राइट सो एमहर्स्ट के टाइम में यही दो मेजर इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी और एक बात सर मान लो कि जैसे मैंने आपको पहले कहा एंशिएंट मेडिवल एंड मॉडर्न इंडिया जब तक आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे तब तक आपको कुछ नहीं याद रहेगा जैसे मान लो कि वॉर हेस्टिंग्स से शुरू होकर लॉर्ड कैनिंग तक जितने भी गवर्नर जनरल्स आए हैं कुछ नहीं करना आपको उनका नाम याद रखना और टाइम पीरियड जब आपको टाइम पीरियड और नाम याद रह गया ना आपको उनके ना एक्टिविटीज अपने आप याद रह जाएंगी आप कभी भी मिक्स नहीं करोगे लेकिन अगर ना तो आपको उनका नाम याद है ना उनका टाइम पीरियड याद है तो फिर आप चाहे उनके फैक्ट्स पे जितनी मर्जी आप क्रैमिंग कर लो आप नहीं कर पाओगे राइट सो टाइम पीरियड है मैं सारे पे लिख के दूंगी आपको वॉर हेस्टिंग का कितना है विलियम बेंटिंक का कितना है एम्पर्स का कितना है तो उसके उसके साथ हमने एक सर किए हैं बैटल्स की है राइट बैटल्स की है अब जब हमें ये पता है कि क्वेश्चन आ गया कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम कौन सा गवर्नर जनरल था अब अगर आपको टाइम पीरियड याद है तो आप सोच के देख सकते हो कि 1792 में हुई 90 में हुई तो उस टाइम टाइम पीरियड किस गवर्नर जनरल का चल रहा था कौन वॉलेस था लेकिन देखो काम एक कर रहे हो लेकिन उसके बेनिफिट आपको तीन मिल रहे हैं तीन क्या मिल रहे हैं वॉल्स की डेट्स अलग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर उनकी एक्टिव कामों की जो उन्होंने एक्टिविटीज की उनकी डेट आपको अलग याद नहीं करनी पड़ेगी सिर्फ काम क्या करना है आपको टाइम पीरियड याद करना है राइट मतलब इजी हो जाता है वही सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि हिस्ट्री में बहुत सारी डेट्स हैं बहुत सारे इवेंट्स हैं हमें याद नहीं रख सकते हैं रख नहीं पाएंगे बेस्ट वे क्या है कि स्टेप बाय स्टेप चलो एक काम करो सभी का टाइम पीरियड याद करो चाहे वो एंशिएंट पीरियड में अशोका है चाहे मॉडर्न पीरियड में वो कॉर्न वॉलेस है टाइम पीरियड याद है तो तीन बेनिफिट है आपकी टाइम पीरियड याद नहीं है तो एक भी नहीं राइट नेक्स्ट आ गया सर सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंक इंडिया में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर था इंडिया में इतने इसके टाइम में जितनी एक्टिविटीज हुई जितने सोशल रिफॉर्म्स हुए किसी के टाइम में नहीं हुई ठीक है जी और एक चीज छोटा सा फैक्ट और है कि मैंने कहा था ना हार्डली चार या पांच गवर्नर जनरल्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के जिन्होंने मेजर एक्टिविटीज की थी कॉर्नवालिस है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज विलियम बेंटिंक है सती सिस्टम को खत्म कर देता है लॉर्ड लाहौजी है ट्रेन चलवाता है कैनिंग है 1857 का विद्रोह होता है मतलब हर एक गवर्नर जनरल के बारे में मेजर पॉइंट्स आपको पता चल ही जाएंगे सो नेक्स्ट इज लॉर्ड विलियम बेंटिंक सर अब लॉर्ड विलियम बेंटिंक का जो टाइम पीरियड है देखो मैंने कहा था ना कि हर चीज एक दूसरे को कोरिलेट करती है कोरिलेट कैसे करती है राजा राममोहन राय का नाम सुना है ब्रह्मो समाज का जो फाउंडर थे उनका नाम था राजा राममोहन राय इंडिया में उस टाइम सोशल रिफॉर्म्स चल रहे थे उसी टाइम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ये पूरे विलियम पर्सनैलिटी था हां सर कुछ कह रहे थे ठीक है ये खुद एक लीनियंट पर्सनैलिटी था इसीलिए जो सोशल रिफॉर्मर्स थे
वो जब कोई चेंज लाना चाहते थे तो विलियम बेंटिंक को वो इन्फॉर्म करते थे, उस तक पहुंच करते थे और ये लॉ बना देता था। इसने बहुत अच्छे कुछ सोशल रिफॉर्म्स किए। फर्स्ट है सती एक्ट, सती सिस्टम को 1829 में अबॉलिश कर दिया गया। अबॉलिश होता है खत्म करना। उनके तो मुंह से निकला हुआ शब्द कानून होता था, ठीक है। ब्रिटिश से पहले अकबर ने कुछ हद तक सती सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन लॉ नहीं बना था। ऐसा कोई सीन नहीं हुआ था कि जब किसी मोनार्क ने, किसी राजा ने ओपनली ये कहा हो कि नहीं आज से सती सिस्टम है जो बैन है। वो फर्स्ट टाइम ब्रिटिश के पीरियड में हुआ कि 1829 में इन्होंने सती सिस्टम को खत्म कर दिया। एक और इसने रिफॉर्म किया था 1830। इतना फेमस क्वेश्चन है सर, ये बहुत अपील होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। कौन से 4-5 क्वेश्चन है, 2-3 साल बाद रिपीट हो जाते हैं। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडिया में फर्स्ट ट्रेन कब चली थी, लॉस ईयर टाइम, सती सिस्टम कब खत्म हुआ। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इज 1830 फीमेल इन्फेंटिसाइड। एक होता है क्रिमिनल फेटिसाइड, फेटिसाइड होता है भ्रूण हत्या, जन्म से पहले मार देना। इन्फेंटिसाइड होता है कि बच्चे के जन्म लेने के बाद बच्चे को मार देना। तो जब विलियम बेंटिंक इंडिया में था तो बहुत सारे कुछ इंडिया के कास्ट ऐसे थे, स्पेशली राजपूत क्लास, ये जाट क्लास इन पंजाब और मध्य प्रदेश की कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज ये क्या करते थे कि जो लड़की थी बर्थ के बाद उसको जिंदा दबा देते थे, उसका गला घोट देते थे या उसको फीडिंग फीड नहीं किया जाता था। तो विलियम बेंटिंक ने इस पर रोक लगा दी थी और फीमेल इन्फेंटिसाइड एक्ट पास कर दिया था कि जब कभी भी पता चलेगा कि न्यू बॉर्न बेबी को खत्म कर दिया गया है तो उसके अगेंस्ट केस कर दिया जाएगा, राइट। एक इसके टाइम में इसने खुदी सिस्टम को खत्म किया 1831। ठगी सिस्टम क्या है कि इंडिया में बनारस का ठग सुना है ना आपने कि बनारस के ठग हैं वो बहुत ज्यादा मशहूर हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मध्य प्रदेश के जो डाकू थे, देखो चंबल एरिया तो अभी भी वहाँ का कितना फेमस है, वो वीरप्पन चंबल से था बिलोंग करता, राइट। तो वो भी टाइम ऐसा ही पीरियड था जब मध्य एशिया प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे डाकू ठग लोग रहते थे। वो क्या करते थे, काली माता को पूजते थे, आते जाते राहगीरों को लूटते थे और उनको मार के उनकी बलि चढ़ा देते थे, जिससे कि आम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। ये क्या करता है 1831 में ठगी सिस्टम के अगेंस्ट स्टेप लेता है और कर्नल चैंपियन था उनका नाम। कर्नल चैंपियन को ये नॉमिनेट करता है कि जितने भी ठग हैं उनको जंगलों से पकड़ पकड़ के मारा गया, ठीक है, किडनैप कर लिया गया या उनको अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के बाद उनको जेलों में अच्छे कामों पे लगाया गया। और बहुत सारे ठगों को जिन्होंने ये कन्फेस कर लिया कि आगे से वो ठगी सिस्टम को नहीं अडॉप्ट करेंगे तो उनको एम्प्लॉयमेंट दी गई। इस तरह विद इन 2 or 3 ईयर ठगी सिस्टम है जो बिल्कुल इंडिया से खत्म हो गया और इंडिया में शांति कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश हो गई, ठीक है सर। क्योंकि मेजर एक्टिविटीज हो रही है ना इसके टाइम में। नेक्स्ट इसके टाइम में हुआ था एक्ट ऑफ 1833। एक्ट ऑफ 1833 क्या है, इस एक्ट में भी बहुत सारे मेजर चेंजेस किए गए थे। आपको पता है ना कि 1813 के एक्ट में क्या हुआ था कि इंडियन लोगों की एजुकेशन के लिए 1 lakh rupees है जो फिक्स कर दिया गया था, लेकिन अगले 20 सालों में उस पर कोई काम नहीं हुआ। क्यों नहीं काम हुआ, क्योंकि ब्रिटिश में ये कंफ्यूजन थी कि 1 lakh rupees तो हम इंडियन एजुकेशन के लिए दे देंगे, लेकिन वो इंडियन एजुकेशन कौन से होगी, इंग्लिश होगी, हिंदी होगी कि फारसी होगी। अलग अलग लैंग्वेज थी, मुसलमानों की अलग थी, हिंदुओं की अलग थी, सिखों की अलग थी। तो 1833 में एक्ट पास हुआ कि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या, किसका बना दिया गया इंग्लिश को। बंगाल के गवर्नर जनरल को इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया था। सॉरी
सो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल बना लॉर्ड डलहौसी। और जिसने इसी टाइम में 1833 में इंडिया के एजुकेशन पॉलिसी है जो उसको पास किया गया, लॉर्ड मैकॉले का नाम सुना है आपने? लॉर्ड मैकॉले, मैकॉले का नाम, लॉर्ड मैकॉले था जो इसने इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी। लॉर्ड मैकॉले था जो विलियम बेंटिंक की, मैंने कहा था ना कि इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन है जो दो ईस्ट इंडिया कंपनी का दो चीजों में डिवीजन है, फर्स्ट है गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो वो होते थे जो इंग्लैंड में बैठते थे, जो प्रॉपर शेयर होल्डर होते थे, राइट। और गवर्नर जनरल इन काउंसिल वो थे जो उन्होंने एम्प्लॉयज अपने नॉमिनेट इंडिया में की थी। तो इसकी काउंसिल में ये लॉ मेंबर था। ठीक है सर, इसी ने कहा कि जो इंडियन लोग हैं उनको इंग्लिश है तो एज अ सब्जेक्ट प्रोवाइड की जाए। क्यों एज अ सब्जेक्ट प्रोवाइड की जाए? क्योंकि इसकी ना बहुत फेमस स्टेटमेंट है, समटाइम वो स्टेटमेंट आमतौर पर एग्जाम में आ जाती है कि इंडिया का पूरा लिटरेचर है यूरोप की एक अलमीरा में पड़ी बुक्स के बराबर है। इसको क्या लगता था कि इंडियन लोगों का कोई कल्चर नहीं है, इनकी कोई लैंग्वेज नहीं है, इनके इनके तो बनार की वैसे तो महान काम हुए नहीं, इतना ये डिग्रेड करता था। इसीलिए इसने कहा कि इंग्लिश लोग सिविलाइज नहीं है, कहता है उनको सभ्य बनाने के लिए हमें उनको इंग्लिश एजुकेशन दी जानी चाहिए। वो आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, मोस्टली आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि 1833 के एक्ट में जो लैंग्वेज बनाई गई थी एजुकेशन में वो कौन सी थी? इंग्लिश थी। और इसमें लैंग्वेज को जो एजुकेशनल पॉलिसी थी किसने बनाया था? लॉर्ड मैकॉले, जो कि लॉ मेंबर था विलियम बेंटिंक के। देखो कितने क्वेश्चन निकल गए, बात एक चीज की हो रही है लेकिन क्वेश्चन तीन निकल गए। किस मेंबर ने एजुकेशनल पॉलिसी बनाई? मैकॉले ने। कौन था लॉ मेंबर? विलियम बेंटिंक। कब बनाई? 1833। कौन सी लैंग्वेज बनी? इंग्लिश बनी। लाइन ए क्वेश्चन चार या पांच निकले, राइट सर? हाँ जी। मेडिकल कॉलेज खोला गया कब? 1835। में इसीलिए क्योंकि विलियम बेंटिंक है जो वो इस चीज में बिलीव करता था कि इंडियन लोग हैं जो इनको सिविलाइज बनाना मेरा हक है, मेरा अधिकार है, मेरी ड्यूटी है। क्योंकि इसको लगता था कि इंडियन लोग हैं अनकल्चर्ड लोग हैं, इनको कुछ पता नहीं है, सो इनको एजुकेटेड बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी है। लेकिन स्टिल ही अर्ली जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुए हैं उनमें बहुत ज्यादा फेमस था अपनी एक्टिविटीज और अपने रिफॉर्म्स के लिए विलियम बेंटिंक को जाना जाता है। मोस्टली ये क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज्यादा सोशल रिफॉर्म्स है किसके टाइम में हुए, तो आपका आंसर होगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के टाइम में। सती सिस्टम किसके टाइम में अबॉलिश हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, राइट सर? सो नेक्स्ट चलते हैं, चार्ल्स मेटकाफ। इसमें आंसर करेक्ट कर लेना, अपनी बुक में कर देना। इसमें जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड ईस्ट इंडिया कंपनी है ये शुरू किया गया है सर चार्ल्स मेटकाफ से, मेटकाफ नहीं लॉर्ड विलियम बेंटिंक का, राइट। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हाँ जी सर। ठीक है सर, ओके। तो जब तक नमन सर नहीं आते तो तब तक क्लास कंटिन्यू रखेंगे, राइट। सो नेक्स्ट इज है सर चार्ल्स मेटकॉफ। टाइम पीरियड 1836 से लेके 1835 से लेके 1836 तक इसने क्या किया? आपको याद है ना एक्ट ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर एक्ट पास हुआ था 1824 में, जिसमें इंडियन प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी गई थी। ये क्या करता है? आपके सारी इंडियन प्रेस की सेंसरशिप रिमूव कर देता है। इसीलिए आपने नोटिस किया कि इसका टाइम पीरियड सिर्फ एक साल का है। इसीलिए एक साल का है कि जो ब्रिटेन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उनको इसकी ये हरकत पसंद नहीं आती कि इंडियन प्रेस को इतनी फ्रीडम दे, और वो क्या करते हैं चार्ल्स मैटकॉफ को वापस बुला लेते हैं, राइट। इसके टाइम में इसको ना इंडियन प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है।
ठीक है, कि इंडियन प्रेस को अगर फ्री कराया सेंसरशिप ने तो वो कौन था? चार्ल्स मैकर। जाना नहीं इसके बारे में, पर ये समटाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फेमस क्वेश्चन है कि प्रेस का मुक्तिदाता, इंडियन प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? वो है चार्ल्स मैकर। नेक्स्ट आ गया लॉर्ड ऑकलैंड। कुछ ही गवर्नर जनरल थे जो इतने इंपॉर्टेंट थे कि जिनके टाइम में मेजर एक्टिविटीज हुई, बट बहुत सारे गवर्नर जनरल ऐसे थे कि जिनके टाइम में कोई मेजर एक्टिविटीज नहीं। ही वाज वन ऑफ देम। ये बहुत शांति प्रिय गवर्नर जनरल था जिसने ना किसी स्टेट को अटैक किया, ना इसने कोई ऐसी पॉलिसीज बनाई कि इंडियन लोग इतना ज्यादा भड़क जाए कि वो इसके एंटी स्टेप्स ले। इसका टाइम पीरियड एक शांति का टाइम पीरियड रहा है। सो इसके बारे में डिस्कशन की इतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, सिर्फ इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना है। ऑकलैंड के बाद आता है लॉर्ड हार्डिंग। ये इम्पोर्टेंट है, ब्रिटिश को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और इसीलिए इसको वापस बुला लिया गया था। ठीक है जी, लॉर्ड हार्डिंग का बस यही रोल है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आएगा लॉर्ड डलहौजी। हौजी सिटी का नाम सुना है ना आपने? ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम में बनी थी। ये हिमाचल में है सर? सर आप हिमाचल से हो? तो आप किस एरिया से बिलोंग करते हो? पालमपुर। जगदीश नगर पालमपुर उस साइड से? जगदीश नगर पालमपुर। हाँ मैं बिकॉज पहले पालमपुर मंडी साइड है। मंडी साइड में चंद्रनगर से ओके। आप दिल्ली से हो? समझ नहीं मुझे। हिमाचल में पालमपुर। हाँ मैं कहीं जगदीश नगर में इसको बहुत ज्यादा विजिट करते हैं लोग और क्लीन नहीं रहा वो बहुत ब्रिटिश लोग ज्यादा। ब्रिटिश लोग ज्यादातर आपके एरिया को प्रेफरेंस देते हैं जब विजिट करते हैं ना फॉरेनर्स, तो उस एरिया में ज्यादा। सो नेक्स्ट आ गया थे डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। दैट मींस हिमाचल इतना बड़ा है? बहुत बड़ा है। ओके, मंडी डिस्ट्रिक्ट भी उसके साथ है? मंडी बदल गया। ठीक है, सो मेरा कहने का मतलब याद करवाने का ये है कि अगर मान लो आपको कुछ भी याद नहीं रहता, डलहौजी सिटी से आप लॉर्ड डलहौजी को याद रख सकते हो और लॉर्ड डलहौजी ने जो जो काम किए अपने आप आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली रह जाएंगे। वैसे तो इसने बहुत रेवोल्यूशनरी काम किए हैं, आपको वैसे भी याद रह जाएंगे क्योंकि चार पांच वही इम्पोर्टेंट हुए हैं गवर्नर जनरल। लॉर्ड डलहौजी 1848 इसीलिए लॉर्ड डलहौजी ने ही शिमला को समर की कैपिटल बना लिया गया था, राइट? 1846 नहीं सर, 1848 से 1856।
ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट काम उनके टाइम में बहुत ज्यादा हुए हैं। सबसे पहला द काइन ऑफ लैब्स, लॉक्स लैब्स की थ्योरी। क्या थी द काइन ऑफ लैब्स? तीन इंपॉर्टेंट क्या थी? सुना कभी अपने रानी अब झांसी क्यों अगेंस्ट हो गई थी? क्या क्या थी द क्राइम ऑफ लैप्स? जिसके इन्होंने नीति बना दी कि अगर किसी राजा के आगे कॉप का अधिकार नहीं होता है yes. तो वो राज्य ऑटोमेटिकली मार्स यूनिट का ब्रिटिश कंपनी, और जो कोई पहले राजा एडॉप्ट कर लेते थे ये करते हैं या जो भी है उसको भी खत्म कर देते हैं, एडॉप्टर चाहे कंसीडर नहीं करते। बिल्कुल, वेरी गुड। सो लैप्स थ्योरी का आपको पता चल गया कि लैप्स थ्योरी क्या है। 1849 में इन्होंने की थी और सिक्स स्टेट्स को इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था, जिसमें से झांसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जब झांसी के राजा गंगाधर राव की डेथ होती है तो लक्ष्मीबाई ने एक बेटा अडॉप्ट किया था जिसको वो झांसी का किंग मानने से मना कर देते हैं। इसी के बाद एक बहुत जल्दी वॉर हो गया था 1857 का। ठीक है जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में है रेलवे लाइन का। बॉम्बे टू थाने, कहने का मतलब क्या है कि इंडिया में, हाँ जी सर, 1853 150 साल नहीं, ऐसा नहीं कुछ, क्योंकि ना उनके लिए जैसे आपका क्वेश्चन वैसे बिल्कुल सही है। देखो रेलवे लाइन का तो ये है कि कंस्ट्रक्शन का काम चला, फिर उसमें स्टार्ट होने का टाइम पीरियड वैसे आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन उठाया है, लेकिन ब्रिटिश पीरियड का भी जरूरी नहीं है कि आपको पर्टिकुलर ये टाइम पूछा जाए कि कितनी अक्टूबर थी कितनी नवंबर थी, वो सिर्फ पर्टिकुलर जगह के लिए होता है, पर्टिकुलर डेट के लिए, जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 उसके लिए आपको डेट मेंशन की जाएगी, क्योंकि बहुत रेवोल्यूशनरी चीज थी। और फिर आपको पूछा जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी का पूछ लिया उन्होंने, 23 जून को हुई थी ये, वो हुआ था 31 मार्च को हुआ था, वो मेजर डेट्स को, कुछ मेजर डेट्स हैं जिनको कंसीडर किया जाता है, लेकिन कुछ मेजर ओके सर। तो सर आज के लिए इतना ही, लॉर्ड लाहौसी का कुछ पेंडिंग है उसको खत्म करके ही हम आगे नेक्स्ट करेंगे, और लॉर्ड लाहौसी के बाद कैनिंग के बाद है वॉइस रॉय ऑफ इंडिया शुरू हो जाएंगे। सो अभी हार्डली आपका एक दिन का काम रहेगा। थैंक यू सर। जय हिंद जनाब।